हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है। जब भी आपका कुछ नया नाश्ता खाने का मन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चावल लिया है, एक कटोरी चावल है। आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर सकते हैं। एक कटोरी चावल को रात भर मैंने पानी भिगो दिया है सुबह बनाने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 घंटे भी भिगा सकते हैं, उसमें भी चावल फूल जाता है। और दाल ले लिया है मैंने आधे कप दाल को मैंने रात भर भिगो दिया था। ये मूंग दाल है तो मूंग दाल को मैंने रात भर भिगा दिया था। इस तरह से ये देखिए फूल गया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 से 3 घंटे भिगा सकते हैं दाल चावल को। तो चलिए अब आगे इसे हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। गर्मी के दिनों में भारी चीज़ें नहीं खाई जाती है तो आप ये नाश्ता बना सकते हैं। मूंग दाल का है ये नाश्ता, हमारा कम से कम तेल में बनेगा, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए इसके लिए हमें। अब इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़रूरत होगा थोड़ा सा पानी दोबारा भी डाल लेंगे। लिक्विड को पतला नहीं करेंगे, गाढ़ा घोल ही रखेंगे इसको। फ्रेंड्स ये देखिए एक स्मूथ पेस्ट बन के रेडी है। तो हमें इसी तरह का पेस्ट बनाना था। आप चाहें तो ये पेस्ट शाम को ही बना के रख सकते हैं, सुबह बनाना है अगर आपको तो। इसकी प्रिपरेशन आप पहले भी कर सकते हैं। चलिए इसे एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें, और नहीं टाइम है तो आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फ्रेंड्स चलिए अपना बैटर देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बैटर बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर 2 घंटे के लिए रखिएगा। चलिए अब हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। ये प्याज मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, तो आप ये प्याज ऐड कर लीजिएगा। नमक स्वाद के अनुसार, ये सेंधा नमक है, आप भी ज़रूर सेंधा नमक खाया करिए। इससे शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल लेवल में रहता है। धनिया पत्ती ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चलिए हम इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, अब 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून ये कटी हरी मिर्च, ये सरसों के दाने हाफ टी स्पून, ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो थोड़ा सा अदरक डालेंगे, इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है इसमें फ्लेवर। एक कटी हुई प्याज डालेंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी ही काटा है मैंने, तो थोड़ा बड़ा ही काटना है आपको। थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच तक। एक टमाटर काट देंगे थोड़ा सा खट्टा के लिए। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और हम इसमें डालेंगे सांभर मसाला 1 चम्मच तक। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। मसाला डाला है ना, तो थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा पक कर सब्जियों में। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आइए, उबला हुआ आलू लिया है मैंने, मैश किया हुआ है, इसे भी डाल देंगे। 3 बड़े साइज के आलू हैं ये। फ्रेंड्स हमारा चटपटा मसाला बनके रेडी हो गया है, ये देखिए। और हम इसमें लास्ट में हरी धनिया पत्ती डाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चटपटा मसाला बनके रेडी है। चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम चटनी बना लेंगे। मैंने थोड़ी सी मूंगफली लिया है, रोस्टेड है, और ये नारियल, इनको मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा नमक,
ये थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। खट्टे के लिए हम नींबू डालेंगे, ये नींबू का जूस। अब हम इसकी चटनी बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी हुई है। फ्रेंड्स अभी इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें एक चम्मच तेल डाला है, ये देखिए। अब हम उसमें डालेंगे राई, सरसों के दाने। अगर आपके पास राई है तो आप राई भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी तिल, तिल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि मुंह में बाइट आए, तो बहुत ही टेस्टी लगे इसका। तो ये देखिए प्याज हमने डाल के रखा था, इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसे डालेंगे इसमें। अब हम एक चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे। अगर आपके पास खाने वाला सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं, इससे क्या है फ्लफी बनता है। अब हम पैन में इसे डाल के फैलाएंगे। इस तरह से चम्मच से फैला देंगे। ना ही बहुत बहुत मोटा डालना है, ना ही बहुत पतला। देखिए इसी तरह फैलाना है। अब इसी पर हमें ये आलू का मसाला जो हमने बनाए थे ये भी स्प्रेड कर देंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए मसाला स्प्रेड हो गया है। अब हम इसके ऊपर से पेस्ट डालेंगे। इसको लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। ये देखिए इस तरह से फैला देंगे। छः से सात मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, इस तरह से घोल घूम जाए समझ लीजिए पक गया है। तो हम इसे पलट लेते हैं। तो इस तरह से प्लेट लगा के इसे पलट लेंगे। तो दूसरी साइड भी सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया क्रंची बना हुआ है। तीन से चार मिनट तक। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर से तो क्रिस्प है ही, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए इतनी अच्छी लेयर आई है इसकी, मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर से भी क्रिस्प हो गई है, एकदम करारी बन के रेडी है नाश्ता। इतना बढ़िया ये देखने में लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है ये नाश्ता। ये देखिए कम ऑयल का बना हुआ। चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व के लिए। फ्रेंड्स ये लीजिए प्लेट सर्व के लिए रेडी है। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, तो मसाले अच्छे तरह से चारों तरफ स्प्रेड हैं। ये देखिए तो ये नाश्ता ठंडा भी खाने में बढ़िया आता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नाश्ता है ये। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप जरूर ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।